अच्छा मुझे ये बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद ख़ुद दुआ मांगते थे? जो इज्तमाई दुआ को नहीं मानते वो हुजूर की दुआ मानते हैं कि नहीं, बताओ। अच्छा नबी पाक सल्लम दुआ मांग रहे हो, सहाबा उठ के चले जाते होंगे, बताओ आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि हुजूर पाक दुआ मांग रहे हो सहाबा उठ के चले जाएँ? तो उसको तो ज़ौक ही नहीं मानता, पता नहीं आप कैसे मानते हैं। अच्छा जी फ़र्ज़ के बाद कलिमात कौन से हैं? कहते हैं अल्लाहुम्मा अंता सलाम इनके सलाम तबारक तजलाल वाले कराम। मैंने कहा हुजूर तो आहिस्ता मांगते रहे, साहबा ने सुन कैसे ली, कैसे सुन ली? इसका मतलब ऊंची आवाज़ से मांगी है तो सुनी है ना, नहीं समझ आई बात। अच्छा मुसन्नफ़ इब्ने शैबा में अब्दुल्ला हुजूर के साहबी फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लम के पीछे फजर की नमाज़ पढ़ी। अब अल्फाज सुनना, कहने जब फजर की नमाज़ पढ़ी फलम्मा सल्लमा इन सरफा सलाम फेरा तो यूँ मुँह मोड़ के मुख्तरियों मुँह कर लिया वदा वरफा यदई है। अच्छा मुख्तरियों को साथ नहीं मिलाना तो पीछे मुँह करके दुआ मांगने की ज़रूरत क्या है? नहीं समझे भाई, जब इनफरादी दुआ मांगनी है तो मुँह पीछे ना करें ना आगे रखें। नबी पाक सल्लम यूँ घूम के मुँह पीछे फरमा रहे हैं फिर हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं, क्यों भाई? मैं दुआ मांगता हूँ तो उठ जाओ, नहीं बताए ना आप। अब इतनी मोटी सी बात समझ नहीं आती, लेकिन समझ तब आए जब कोई मोटी छोटी अकल हो तो फेरे ना। मुझे एक साथी कहता जी दुआ करें गैर मुकल्लद हैं ये सर पे टोपी पहना करें। मैंने कहा मैं दुआ नहीं मांगता। मुझे कहते क्यों? मैंने कहा मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह इनको अकल दे। कहता जी हम क्या कहते हैं आप क्या दुआ मांगते हैं? मैंने कहा भी देखो अगर किसी बंदे के पास पैसे हों तो फिर बटुआ रखता है ना, पैसा ना तो बटुआ क्या करेगा? जब सर में अकल ही नहीं है उसने टोपी करनी क्या है? नहीं टोपी होगी तो हिफाजत के लिए, उसको अकल होगी तो हिफाजत के लिए टोपी भी चाहिए ना, उसमें अकल ही नहीं है और आप कहते हैं वो टोपी पहनता मेरे वो बेवकूफ़ है, ऐसा कभी नहीं होगा। दुआ करें कि अल्लाह इनको अकल अता फरमाए।